Hello friends, this is Tejas here. Today I want to discuss two stocks which have a good potential as a long-term investment. In dono stock ka fundamental bahut hi strong hai and I want to discuss technicals of this stock. So the first stock is Phenotex Chemical Limited. As you know, chemical sector is in boom. Chahe fir wo Nosil hi kyun na ho, Nosil is an PSU stock. So chemical sector is in boom and every stock in chemical sector have given good moves recently. So I want to discuss this stock, Phenotex Chemical Limited. Agar hum 1 month ka chart dekhe, to this was a resistance. I want to discuss based on price action only, which is resistance, support and everything. Log kya karte hai, jyada se jyada indicators use karte hai. And then they show that indicators are necessary. बट ऐसा नहीं है. अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस आता हो तो आपको इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं होती. सो आई वांट टू शो द रेजिस्टेंस हियर. यू कैन सी कि दिस वाज ऑल टाइम हाई ऑफ दिस स्टॉक. स्टॉक यहां तक गिरा. सो यहां तक गिरा और उसके बाद भी क्यों बढ़ा, दैट आई विल शो यू. बिकॉज दिस वॉज सपोर्ट. ओके, सो स्टॉक इस सपोर्ट से यहां तक ऊपर गया एंड देन गिरा टिल दिस सपोर्ट और यहां पर सपोर्ट लेके स्टॉक वापिस ऊपर गया एंड दिस वॉज रेजिस्टेंस. और आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को यहां पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट न्यू ट्रेडर्स मस्ट नो दैट इज रिट्रेसमेंट. यहाँ पर क्या होता है, नए नए ट्रेडर्स जो होते हैं यहाँ पर बाइंग करते हैं, यहाँ तक स्टॉक जाता है और उनको लगता है कि स्टॉक और बढ़ेगा एंड देन दे डू नॉट सेल द स्टॉक और उसके बाद स्टॉक का प्राइस कम होने लगता है और फिर उन्हें लगता है कि स्टॉक लॉस में जा रहा है एंड देन दे सेल द स्टॉक हियर विद सम लॉस और मिनिमल प्रॉफिट और यहाँ से स्टॉक फिर वापस बढ़ना चालू होता है. सो वन मस्ट रिमेम्बर हियर कि इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं. कभी भी जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद फॉर श्योर रिट्रेसमेंट होता ही है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इस सपोर्ट तक वापस जहाँ पर ब्रेकआउट दिया वहां तक वापस रिट्रेस हुआ वो स्टॉक का प्राइस एंड देन यहाँ से वापस उस स्टॉक के प्राइस ने बुलिश रन दिया. सो यू कैन सी हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस रिट्रेसमेंट इज एटलीस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स. सो दिस स्टॉक इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज अगर आप इसका 1 day टाइम फ्रेम पे देखें इसका चार्ट, सो ऑल टाइम हाई इज 165 और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 161 पर. ओके, आप देख सकते हैं दिस इज कप एंड हैंडल फॉर्मेशन. यहाँ से इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट दिया और आज वापिस बुलिश मूव दिया है. प्लस ये बुलिश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है. बुलिश एनगल्फिंग मीन्स अ ग्रीन कैंडल इज एनगल्फिंग दिस स्मॉल रेड कैंडल. सो इस कैंडल के बाद मार्केट ये बुलिश जोन में ही होता है. सो मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट बुलिश इंडिकेटर. द थर्ड वन इज दिस रेजिस्टेंस. आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो था यहां तक हाई दिया वापिस गिरा, यहां तक यहाँ पर हाई दिया वापस गिरा, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया और यहाँ पर बुलिश मूव दे रहा है वापस. सो आप देख सकते हैं कि दिस हाई इज ब्रोकन हियर. सो दिस इज अगेन अनदर बुलिश इंडिकेटर. प्लस दिस इज हाई विच इज 165. सो अगर 165 ब्रेक होता है सो आफ्टर दिस स्टॉक कैन मूव लाइक एनीथिंग. सो वन कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक. It is really in very bullish zone. Another stock that I am tracking for so long is Indian Hume Pipe Company Limited. 1 month time frame mein yahan par choose karunga because I am thinking to invest in this stock as a long term investor. Mujhe ye stock mein long term ke liye invest karna hai. So sabse pehle main yahan par support resistance mark karunga. This is support. This is resistance. This is another resistance. And this is all-time high, which is a very strong resistance.
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इज टेकिंग इनटू प्लेस, यहाँ पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनने जा रहा है। प्लस यहाँ पर और एक फॉर्मेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सो आफ्टर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन अगर स्टॉक 267 270 पर ब्रेकआउट देता है सो द नेक्स्ट टारगेट विल बी 363, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। अगर 363 पर भी ब्रेकआउट देता है सो द नेक्स्ट टारगेट विल बी 590 to 600, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एक टेक्निकल फॉर्मेशन है जिससे मैंने देखा कि ये बुलिश जोन में है, प्लस इसके फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी है ही अच्छे और सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और मैंने ये अपनी पहली वीडियो में भी आप बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। सो आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ एंड देन अगेन हियर एक बुलिश मूव दे रहा है। सो एज पर मी द फर्स्ट टारगेट मस्ट बी 266 देन 360 एंड देन 600, और ये स्टॉक बढ़ने ही वाला है। वन मस्ट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, हम कितना टारगेट रखें, कितना स्टॉप लॉस रखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, पोजिशन तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट कहाँ करना है ये मालूम ही नहीं होता। सो देन दे बिकम जस्ट व्यूअर्स ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट रेदर देन टेकिंग एक्शंस फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मालूम होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं, दैट इज योर रिस्क, एंड रिवॉर्ड यानी हमें कितना टारगेट रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो सपोज अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 220, अगर आप 10 रुपये तक का नुकसान झेल सकते हैं सो आप कितना प्रॉफिट, आप कितना प्रॉफिट तक आपको टारगेट रखना होगा। सो एज पर मी द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2, अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका टारगेट 20 रुपीस का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर यहाँ पर आप बाइंग करते हैं, सपोज यहाँ पर 220 पर आप बाइंग करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है 165 पर इसका स्टॉप लॉस है। सो 220 माइनस 165 That is almost 55, 50 to 55 point आपका stop loss हो गया। यानी जब अगर stock 219 से गिरकर 165 तक आता है तो आपको stock sell कर देना है। I know it is a loss, but आपको stock sell कर देना है। You have to very strict and disciplined in your approach of investment। और आप यहाँ पर risk कितना ले रहे हैं 55 points का, तो आपको इससे double का reward मिलना बहुत ज़रूरी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। सो आपको यहाँ पर 110 का टारगेट रखना है, मतलब 220 प्लस 110 का जो प्राइस रहेगा वो आपका टारगेट, मतलब 330 आपका टारगेट होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर टारगेट 330, दिस मस्ट बी योर टारगेट। जब आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं देन ओनली एज पर मी एंड एज पर माई बैक टेस्टिंग आपको ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बना सकता है। मतलब आप देख सकते हैं अगर लॉस हुआ तो सिर्फ आपको 55 रुपीस का लॉस होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो एक स्टॉक के पीछे आपको 110 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली इन दिस स्टॉक ऑल्सो वी कैन सी नाउ दिस हैज बिकम द रेजिस्टेंस हियर, सॉरी सपोर्ट हियर, एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ओके सो अगर स्टॉक 165 पर जाता है और अगर आप 165 पर उसे बाय करते हैं सो योर सपोर्ट इज हियर, सो योर स्टॉप लॉस मस्ट बी समवेयर हियर। हमेशा सपोर्ट से 10-15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप्ड। सो 165 पर अगर आप बाय करते हैं और 140 पर अगर आपका स्टॉप लॉस रखते हैं
सो दैट इज 25 पॉइंट्स. ओके सो 25 पॉइंट्स ये आपका रिस्क हो गया. आपको अब रिवॉर्ड मतलब आपका टारगेट जो है आपको रखना है 50 पॉइंट्स. सो 165 पर अगर आप बाय करते हैं तो आपको 215 से 220 तक अपना टारगेट रखना है. सो अगर स्टॉक 140 पे आता है तो आपको सेल कर देना है. मगर स्टॉक 170, 180, 200 के आसपास होगा तो आपको सेल नहीं करना है, आपको 215 तक रुकना ही है. और स्टॉक उतना जाता ही है, अगर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं, अगर आप बैक टेस्टिंग करें तो आपको समझ सकता है कि 1:2 ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. और आप ये ट्राई करके भी देख सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको नया कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और एनकरेजमेंट मिले और मैं आपके साथ ऐसी नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूँ. थैंक यू.